नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में नांदपुर पुलिस ने अवैध गौवंशीय पशुओं से भरी पिकअप को पीछा कर पकड़ा। थाना नांदपुर प्रभारी की इस कार्यवाही पर हिंदू समाज ने बधाई दी। वहीं कल बजरंग दल व अन्य समाज के लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। कुछ घंटों बाद की गई कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में अवैध गौवंशीय पशुओं को भरकर ले जा रही पिकअप को नांदपुर पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। बता दें कि दिनांक 11/6/2024 को थाना नांदपुर पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुक्षी तरफ से एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से गौवंश भरकर आ रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल व एसटीओपी जोबट नीरज नामदेव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नानपुर उन्नी मुकेश कनासिया के नेतृत्व में एक टीम गठित कर वाहन चेकिंग लगाई गई। बता दें कि चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका तो पिकअप वाहन का चालक वाहन को लेकर भागने लगा, जिसे चेकिंग बल के अथक प्रयास से रोका और चेक करके उक्त पिकअप वाहन में अवैध रूप से क्रूर रूप से भरे हुए 7 गौवंश मिले। सभी गौवंश को सुरक्षित रूप से गौशाला नानपुर पहुंचाया एवं वाहन चालक एवं सहयोगी के विरुद्ध थाना नानपुर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय अलीराजपुर भेजा गया है। अलीराजपुर से जितेंद्र बाणी की खास खबर। और भी खास जानकारी के लिए बनी रहिए डीवी न्यूज के साथ।